ধুবুরীর নবনিযুক্ত আরক্ষী অধীক্ষকের বৃহৎ সাফল্য, ড্রাগসের বিরুদ্ধে অভিযান চলায় দুজনক আটক। ধুবুরী জেলার নবনিযুক্ত আরক্ষী অধীক্ষক অভিজিৎ গুড়াওয়ে যোৱা 24 ঘণ্টা ধুবুরী জেলার চাপর বিলাসীপাড়াকে ধরে বিভিন্ন প্রান্ত ড্রাগসের বিরুদ্ধে অভিযান চলায় বৃহৎ পরিমাণের ব্রাউন সুগার, নিচাজাতীয় টেবলেট সহ দুজনক ড্রাগস ব্যবসায়ীক আটক করবলে সক্ষম হয়। আটকাধীন ড্রাগস ব্যবসায়ী দুজন ক্রমে ধুবুরীর ঝগড়ারপার এলাকার রাশিদ হুসেন প্রধানি আর রুবুল আমির প্রধানি বলে জানিপরা গেছে। জানিপরা মতে ধুবুরী জেলা আরক্ষী অধীক্ষকের এক গোপন সূত্রের তথ্যের ভিত্তিত আরক্ষী এটি দলে যা 24 ঘণ্টার ভিতরতে ধুবুরীর ঝগড়ারপার এলাকার এখন গেলামাল দোকানত অভিযান চলায় দুই ড্রাগস সরবরাহকারীক আটক করার বৃহৎ পরিমাণের ড্রাগস জব্দ করে। সূত্র মতে দীর্ঘদিন ধরে ঝগড়ারপার এলাকার এখন গেলামাল দোকানেরপরে চলাই গৈছিল ড্রাগসের রমরমিয়া ব্যবসায়। ঘটনা সন্দর্ভত আরক্ষী তদন্ত অব্যাহত রাখিছে। पिछले 24 घंटे में हमने तीन जगह पे रेड मारा है। तीनों जगह पे हमें ड्रग्स मिला है। दो आदमी को हमने अरेस्ट किया है। आज जो मिला है वो टाउन एरिया से मिला है, बल्कि ये कल रात में पकड़ा है। और बाकी और दो केसेस है, उसमें से एक केस है जो चापर एरिया से मिला है, वो कल रात में पकड़ा था। और आज सुबह एक केस मिला है, वो ये बिलासीपारा पुलिस स्टेशन के अंडर पकड़ा है। और तीनों केस में हमको कुछ मात्रा में गांजा मिला है, ब्राउन शुगर मिला है और बाकी कुछ टैबलेट मिले हैं, जिसके मैं डिटेल आपको बाद में दे दूंगा। ये जो पुलिस का अभियान है ड्रग्स के खिलाफ, ये बिल्कुल जारी रहेगा। और जल्दी हम इसके लिए एक हेल्पलाइन लॉन्च करेंगे, जिसमें लोगों को कुछ कंप्लेंट है, कुछ इन्फॉर्मेशन है सीक्रेट ये नेटवर्क के बारे में, ना केवल ड्रग्स बल्कि अदर जो इलीगल चीज़ें चलती हैं इनके बारे में अगर कुछ कंप्लेंट है, इन्फॉर्मेशन है लोगों के पास, तो सीक्रेटली हमको दे सकते हैं। और इस हेल्पलाइन में हम व्हाट्सएप नंबर रखेंगे, ताकि लोग कुछ फोटो देना है और कुछ इन्फॉर्मेशन देना है तो उसमें दे सकते हैं। थैंक यू। धुबुरी प्राजनु हुसैन रिपोर्ट, पूर्वांचल टाइम, एनी।